जय महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी, आज का जो मेरा वीडियो है SSB कॉन्स्टेबल ट्रेडमैन ड्राइवर की जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आई थी, 1522 वैकेंसी 2022 की आप लोग की वैकेंसी, काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी। ड्राइवर वालों की अलग इसमें अच्छी खासी वैकेंसी, इसके अलावा वेटनरी की जो पोस्ट थी उसमें भी आप लोग की 161 वैकेंसी थी, और इसके अलावा आप लोग की अदर ट्रेड की वैकेंसी, बहुत ही अच्छी वैकेंसी ऑनलाइन आप लोग के अप्लाई हुए। और फॉर्म अप्लाई में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, लेकिन सब कुछ ठीक होते हुए आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई 2020 में ही यहाँ पे कंप्लीट करा ली गई। 2020 के बाद आप लोगों का 2021 और ये 2022 पूरा यहाँ पे निकलने वाला है। जी हाँ, निकल ही चुका है। 2 साल आप लोग के हो चुके हैं, लेकिन वैकेंसी में यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोसेस अभी तक देखने को नहीं मिला है। आप लोग को पता होना चाहिए जो SSB कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन ड्राइवर की जो आप लोग की वैकेंसी है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आप लोग का यहाँ पे फिजिकल होगा, यानी कि PET PST डॉक्यूमेंटेशन आप लोग का यहाँ पे होने वाला है। इसके बाद आप लोग का रिटर्न एग्जाम, रिटर्न के बाद फिर आप लोग का ट्रेड टेस्ट, ट्रेड के बाद मेडिकल, मेडिकल के बाद फाइनल ज्वाइनिंग, यानी कि पूरा प्रोसेस आप लोग का यहाँ पे रुका हुआ है। और आप लोग को पता होना चाहिए पूरा प्रोसेस यदि लगातार प्रोसेस भी चलेगा तो 6 से 8 मंथ आप लोग के लग ही जाएंगे, यानी कि 2023 पूरा पूरा यहाँ पे आप लोग का लग सकता है। जी हाँ, बहुत डिले कर दिया है डिपार्टमेंट ने आप लोग के रिक्रूटमेंट को कंप्लीट कराने में, और ड्राइवर वालों के यहाँ पे फिजिकल हो गए हैं। जी हाँ, बहुत ही लक्की रहे ड्राइवर वाले, उनके फिजिकल PET PST यहाँ पे कंप्लीट करा लिए गए, लेकिन रिटर्न एग्जाम उनके भी यहाँ पे रुके हुए हैं। रिटर्न एग्जाम 13 नवंबर में यहाँ पे होने थे, 13 नवंबर 2022 को आप लोग को जानकारी होगी, लेकिन 13 नवंबर इनके एग्जाम नहीं हो सके। उसका रीजन यही था इलेक्शन। जी हाँ, 2 स्टेटों में जो इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे बटालियन गई हुई है, और मीन्स इसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होने की वजह से जो 13 नवंबर की डेट थी उस डेट को यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया गया। तो अभी जो है 8 दिसंबर के बाद ही आगे का कुछ प्रोसेस हो सकेगा, तो इसकी जानकारी भी मैं आप लोग को आने वाले समय में प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आज का जो मेरा वीडियो है, अभी ड्राइवर वालों को इन्फॉर्मेशन अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा, क्या आप लोग का चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अभी जो प्रोसेस चल रहा है वो है यहाँ पे ट्रेड्समैन और वेटनरी की जो आपकी वैकेंसी है, इसके बारे में बातचीत करने के लिए मैं आप लोग के लिए यहाँ पे आया हूँ। देखिए, फिजिकल की जानकारी आप लोग को मिलेगी, थोड़ा सा वेट आप लोग को करना पड़ेगा, मैंने आप लोगों को अपने कमेंट बॉक्स में बताया है। जी हाँ, 8 दिसंबर तक बटालियन गई हुई है, यानी कि बिजी है SSB यहाँ पे बिजी है, तो अभी आप लोगों की कोई इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आ रही, थोड़ा सा वेट आप लोग को करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आज आप लोग के लिए, वो न्यूज़ है आप लोग की वैकेंसी को लेकर के। जी हाँ, 1522 आप लोग की वैकेंसी थी, जिसमें कि ड्राइवर की 500 प्लस वैकेंसी है। इसके अलावा आप लोग की जो वेटनरी और अदर ट्रेड की वैकेंसी है, मैं आप लोग को बता दूँ वैकेंसियों में आप लोग को बदलाव देखने को मिलेगा। जी हाँ, वैकेंसियों में आप लोग को चेंजेस देखने को मिलेगा, ये न्यूज़ मुझे प्राप्त हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास कोई नोटिस है, जी हाँ, कोई नोटिस होता तो मैं उस नोटिस को आप लोग को दिखा देता। जो एक डिपार्टमेंटल इन्फॉर्मेशन होती है, और यदि आप लोग को पता होना चाहिए, यदि एक्स्ट्रा नॉलेज हिंदी चैनल वाले कुछ बोल रहे हैं तो ज़रूर उस बात में दम है। तो वैकेंसी की जानकारी आप लोग को दी जाए तो देखिए, मैं आप लोग को बता रहा हूँ जो विभाग से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अभी नोटिस मेरे पास भी नहीं है, पूरी तरीके से इस चीज़ को क्लियर नहीं किया जा सकता, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है और मिल रही है वो यही मिल रही है कि आपकी वैकेंसियों को इनक्रीज़ किया गया है। जी हाँ, आपकी वैकेंसियों को यहाँ पे इनक्रीज़ कर दिया गया है। कोई नोटिस वेबसाइट पे आप लोग को नहीं है, कोई ऑफिशियल न्यूज़ आप लोग को अभी तक नहीं दी गई है, और इसके अलावा कोई ऐसा नोटिस अभी तक वायरल नहीं हुआ, लेकिन ये कन्फर्म है कि आपकी वैकेंसियाँ यहाँ पर इनक्रीज़ हुई है, बिल्कुल इनक्रीज़ हुई है। आने वाले समय में आप लोग देखिएगा कि एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी चैनल वालों ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है। जी हाँ, 1522 से यहाँ पे आप लोग की वैकेंसियाँ बढ़ गई हैं। वैकेंसियाँ कितनी बढ़ी हैं इसकी कंफर्म जानकारी नहीं है, लेकिन जो एक अनुमान लगाया जा रहा है, ये आप मान के चलिए 1800 से ज़्यादा वैकेंसियाँ आप लोग की यहाँ पर होनी चाहिए। जी हाँ, तो इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी है, इसी वजह से मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। तो किसी भी प्रकार की आप लोग टेंशन में मत रहिए कि सर डिले हो रहा है, कब तक हमारा एग्ज़ाम होगा। देखिए, मैं आप लोग को बता दूँ, एग्ज़ाम डिले हो रहा है। जी हाँ, प्रॉब्लम है,
क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो स्पेशली वेट कर रहे हैं, एज ओवर हो चुकी है कि सर जल्द से जल्द इस रिक्रूटमेंट को भी कंप्लीट किया जाए, हम कहीं जॉब में लग सके या फिर कुछ और हम देखें। तो एक उम्मीद लगी हुई है, क्योंकि इसमें आप लोग को पता होना चाहिए जो ट्रेड्समैन की वैकेंसी है इसमें हाइट आप लोग की थोड़ी सी कम है, जनरल ओबीसी एससी वालों की 167.5 यहां पे हाइट है, जी हां मेल कैंडिडेट की। तो इसको लेकर के भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा उत्साहित है कि सर मेरी 170 से कम हाइट है और मैं इसी वैकेंसी का वेट कर रहा हूँ। तो देखिए मैं आप लोग को बता दूँ, समय आप लोग का लगने वाला समय लगने वाला है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी आप लोग बहुत ही अच्छा मौका है आप सभी लोगों के लिए। ये वैकेंसी अच्छी है और बच्चे यहाँ पे आप लोगों को कम दिखने वाले हैं पार्टिसिपेट करने वाले, यानी कि जो भी फिजिकल रिटन एग्जाम देंगे वो बच्चे कम ही आप लोग को मिलेंगे, जी हाँ एसएसबी कांस्टेबल ट्राइब्समैन की। तो थोड़ा सा वेट आप लोग को और करना पड़ेगा, वेट कीजिए, तैयारी आप लोग करते रहिए, सुनहरा मौका है और इसका फायदा आप लोग को उठाना है, जी हाँ फायदा आप लोग को उठाना है। मैंने आप लोग को देखिए इसी वजह से वीडियो बनाया, क्योंकि जो जानकारी मुझे आप लोगों के लिए जो भी इंपॉर्टेंट होता है वो मैं आप लोग के लिए लेके आ जाता हूँ, बिल्कुल वीडियो आप लोग के लिए बना देता हूँ ताकि आप लोग मोटिवेट रहें, आप लोग तैयारी करते रहें, किसी भी प्रकार से आप लोग डीमोटिवेट नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। एसएसबी को आपने इतना समय दिया है, थोड़ा समय आप लोग और दीजिए, प्रोसेस चल रहा है, जल्द ही यहाँ पे आप लोग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए कि वैकेंसियां इंक्रीज हो रही हैं, ये सूचना मिल रही है इंटरनल। तो आप सभी लोग बताइए क्या एग्जाम फिजिकल इस समय होने चाहिए? जी हाँ आप लोगों को पता होना चाहिए, जनवरी का मंथ यहाँ पे आ रहा है और रनिंग आप लोगों को पता होना चाहिए, 4.8 किलोमीटर की आप लोग की रनिंग है, 24 मिनट का टाइम आप लोग को यहाँ पे मिलने वाला है मेल कैंडिडेट के लिए, जी हाँ 4.8 किलोमीटर की आप लोग की रनिंग है, और फीमेल कैंडिडेट 2.4 किलोमीटर आप लोग की जो 18 मिनट का समय मिलता है। तो क्या इस समय यदि रनिंग हो तो ज़्यादा सही है? क्योंकि देखिए ठंड का समय है और रनिंग में प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है। यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों को रनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखिए मुझे तो लगता है यदि थोड़ा डिले हो तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर मैं तैयार हूँ, मैं रनिंग करूँगा, तो आप लोग टेंशन फ्री रहिए, जैसा आप बोलेंगे वैसी तरीके से आपका काम होगा। जी हाँ यदि आप लोग कहेंगे तो ठंड में ही आप लोग की रनिंग करवाई जाएगी और ठंड में ही आप लोग को यहाँ पे फिजिकल क्लियर करना होगा, किसी भी प्रकार की आप लोग टेंशन मत लीजिए। जी हाँ रनिंग की तैयारी आप लोग करते रहिए, 4.8 किलोमीटर की जो रनिंग है रनिंग पे आप लोग फोकस रखिए। यदि आप लोग फिजिकल देना चाहते हैं यहाँ पे, जी हाँ इसके अलावा भी कोई जानकारी आप लोग को लेनी है डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, तो उसके लिए भी मैं आप लोग को जानकारी दे दूंगा, क्योंकि बहुत ही जल्द आप लोग का यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट होगा। प्रोसेस चल रहा था, प्रोसेस को रोका गया है सिर्फ और सिर्फ इस इलेक्शन की वजह से, नहीं तो आज आप लोग यहाँ पे फिजिकल दे रहे होते, बिल्कुल आज आप लोग फिजिकल दे रहे होते और मैं आप लोगों से फिजिकल की जानकारी लेते हुए वीडियो बना रहा होता। जी हाँ आपके सेंटर पर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है पूरी जानकारी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रहा होता। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तैयारी आप लोग करते रहिए। जी हाँ 2023 आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, एसएसबी में आप लोग का सिलेक्शन होगा। इसके अलावा आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड जानकारी आने वाले समय में प्रोवाइड कराऊंगा, बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और जाने से बेगूंगा। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर बटन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग के लिए। थैंक यू।